आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। नीमच जिले में एक क्वार्टर में निवासरत 8 माह की गर्भवती महिला ने अज्ञात कारणों के चलते खुदकुशी कर ली। वहीं इसे लेकर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सिटी थाना अंतर्गत आने वाली नीमच मनासा रोड स्थित मोहित रिसोर्टेक्स कर्मचारी क्वार्टर में निवासरत नवविवाहिता महिला ने सोमवार सुबह अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को फंदे से उतार कर पंचनामा बनाया गया। साथ ही शव को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ शव परीक्षण के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार नवविवाहिता रवीना पति राहुल नाथ योगी उम्र 23 वर्ष ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब महिला का पति राहुल प्रातः करीब 7 बजे कमरे में पहुंचा तो उसे घटना की जानकारी मिली, जिस पर उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर शव को फंदे से नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। जिला अस्पताल में सब इंस्पेक्टर असलम पठान ने बताया कि सुबह 7 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहित सर्टेक्स कर्मचारी क्वार्टर में निवासरत महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस मौके पहुंचे और पंचनामा बनाकर शव को जिला अस्पताल लाया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतिका रवीना और राहुल का विवाह दिसंबर 2020 में हुआ था। महिला 8 माह की गर्भवती भी थी और ये मूल निवासी रामपुरा थाना क्षेत्र के गांव लोटवास के हैं। फिलहाल नवविवाहिता की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उक्त मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच प्रारंभ की है। वही मृतिका के परिजन शिवनाथ योगी ने पति पक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि महिला के ससुराल पक्ष वाले महिला को दहेज के प्रताड़ित करते थे और विगत कुछ महीने से दोनों पति पत्नी के बीच अनबन भी चल रही थी, जिसके चलते महिला ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। ये गांव लिल्दा की और जिला मंदसौर तहसील मंदसौर थाना नाहरगढ़ और लिल्दा की बच्ची थी और इसको लोटवास पढ़ना शादी करी थी और निमच इसका पति पत्नी दोनों साथ में काम कर रहे थे कोई कंपनी में और यहाँ मतलब इनके महीने 6 महीने से मतलब आपस में मन मुटाव चल ही रहा था और इसको दहेज प्रथा का बार बार ये तनाव दे रहा था उसको और बाद में हमको मालूम भी नहीं और 6-7 महीने उसकी डिलीवरी भी थी और उसको सोनोग्राफी करवाई थी, उसमें 2 बाल बच्चे भी बताए सोनोग्राफी में और इसके बाद में हमको सुबह में 6-7 बजे करीबन मालूम हुआ कि वो आत्महत्या कर ली और मौके की स्थिति में सर और प्रशासन ने जो भी देखा है वो प्रशासन करेगा उसे हम डेड बॉडी नीचे उतारी। हाँ, बिना प्रशासन बिना ही प्रशासन के उन्होंने डेड बॉडी नीचे सुला रखी थी और हम पियर वाले बाद में आए मौके की स्थिति देगी और फिर बाद में प्रशासन पुलिस टीम आई। 6 महीने से वाद विवाद चल ही रहा था सर, मतलब चल ही रहा था और बालिका को बार बार और बालिका भी यहीं इन्हीं के पास रह रही थी शादी करने के बाद में करीबन 2-3 महीने से ही वो पियर में रही, बाकी इन्हीं के पास रही। हाँ, वो दहेज प्रथा का सर यही वो बताता है कि मेरे पैसे लाख पैसे दे रखे हैं तेरे बाप से, 3 लाख लान 2 लाख जब रखूँ ने रखूँ देरी माँ अलग अब शब्द का प्रयोग कर रहा है। ये सुबह 8:30 बजे करीब हमको सूचना मिली थी कि एक महिला ने ये मोहित सोर्टेक्स करके मंगलम वेरा उसके सामने यहाँ पे फांसी लगा कर सुसाइड किया है। तो सूचना पर मौके पर पहुँचे हम, महिला ASI संगीता चौहान भी साथ में थे। इसमें मृतिका का नाम है रवीना पति राहुल नाथ योगी उम्र 23 साल और यहीं पे मंगल वेरा उसके यहाँ पे जो सोर्टेक्स है मोहित सोर्टेक्स यहीं पे लोग रहते हैं, सोर्टेक्स में ही काम करते हैं, इनके पीछे क्वार्टर बने हैं, यहाँ पे इनका निवास है। अभी PM कराया जा रहा है और जो भी जाँच में आएगा बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। अभी महिला 8 महीने प्रेगनेंट थी ऐसी सूचना है और इनकी दिसंबर 2020 में शादी हुई थी। अभी तो कोई सुसाइड वगैरह नोट वगैरह नहीं मिला है, हमने वहाँ पे जांच करी है लेकिन जो भी जांच में आएगा आगे बताया जाएगा। तो ये था अब तक का अपडेट, लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।